हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, ये न्यूज़ में बहुत आया है और बहुत ही भयानक सी न्यूज़ है। जब सुनने सुनी मैंने तो मैं तो शॉक में रह गई हूँ। भैया, अगर आपको नहीं पता है तो न्यूज़ है, आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर जहाँ फेंके थे उस थाने से मनीष कश्यप की ग्राउंड रिपोर्ट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कई चीज़ें हमें पता नहीं, तो होपफुली इस वीडियो से हमें क्लैरिटी मिलेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पर उस सबसे ज़्यादा इसको जब न्यूज़ सुनी तो पता चला ये दिल्ली क्या इंसिडेंट है, महरौली जगह का। तो वो सुन के इतना वो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि हाँ, इतनी क्योंकि मैंने ही ना बताया इन्फॉर्मेशन कैसे मिली है कि एग्जैक्टली 35 टुकड़े किए थे, कहाँ है। कहाँ कीप किए थे, क्या उसने कन्फेस किया, क्या हुआ, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो चलो शुरू करते हैं। 36 टुकड़ा कर दिया गया था, और टुकड़ा करने के बाद जो है लड़की को एक डीप फ्रीजर में रखा गया था। उसके अंगों को बेच के कम से कम 2.5 करोड़ रुपया जो है कमाया गया। बिहार के नवादा में एक परिवार के 6 लोग जहर खा के मर गए हैं, और उसकी सच्चाई क्या है कोई नहीं दिखा रहा। सैकड़ों वीडियो में बोलते आया हूँ कि कोई भी बेटी अपने माँ बाप के इच्छा के बगैर कहीं भी शादी कर रही है तो वो गलत। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले अक्सर लड़के लड़कियां जो है कोई नहीं तो कोई कांड ही करते हैं। आपका इतना प्यार पवित्र है तो दोनों के गार्जियन जो है संतुष्ट हो जाते हैं और दोनों जो है मंदिर या मस्जिद में जाकर शादी कर लेते हैं। इस टुकड़ों में बांट के रख दिया था, और उसके बाद से हर रात 2 बजे बैग में उसके 2 भाग को पैक करके और मेहरौली के जंगलों में फेंका करता। अगर इस प्रकार का घटना घटता है, पुलिस के पास सारा सबूत है, तो लटका दो ना 30 दिन के अंदर ऐसे ऐसे अपराधियों। रिलेशनशिप पे सरकार जो है कानून बनाए, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के कारण बॉलीवुड में अनेकों हत्याएं होते रहती है। सुशांत सिंह राजपूत उसका जीता जागता उदाहरण है। अभी देश में जो सबसे ज्यादा चर्चा में थाना है, मैं उसी थाने के पास हूं, और ये दिल्ली का मेहरौली थाना है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में बोला था, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। एक लड़की जो अपने माँ बाप का पगड़ी जो है गिरवी रख देती है, उसका माँ बाप तब परेशान होता है जब लड़की का कोई पता नहीं मिलता है, और उसी को ढूंढते ढूंढते उसके माँ बाप 8 नवंबर को दिल्ली के थाने में FIR कराते हैं, और बाद में पता चलता है लड़की का 36 टुकड़ा कर दिया गया था, और टुकड़ा करने के बाद जो है लड़की को एक डीप फ्रीजर में रखा गया था, और उसके सभी अंगों को जो है शायद से बेच दिया गया था जो बेचा जा सकता था, और जो नहीं बेचा जा सकता था उसको बैग में रख रख के हर दिन 2 पार्ट को जो है यही पे बगल में एक जंगल है उसमें फेंका जाता था। और इस देश के संविधान को एक नया नियम लगाना चाहिए कि कोई भी लड़का लड़की अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो सबसे पहले जिस प्रकार से शादी के लिए 2 गवाह की जरूरत है, वैसे ही लिव इन में रहने के लिए भी 2 गवाह की जरूरत होनी चाहिए। अगर 2 गवाह नहीं मिलेंगे तो पता चलेगा यही अंजाम होगा, और बाद में जो है आप गवाह ढूंढते रह जाएंगे और कोई गवाह नहीं मिलने वाला है कि आपका शरीर का अंग कहाँ गया, पार्ट्स कहाँ गया, किडनी किसने बेच दिया, आंख किसने बेच दिया, लीवर किसने बेच दिया, और इस बच्ची जो जिसका नाम श्रद्धा था उसका श्रद्धा तो पूरा हो गया, लेकिन उसके अंगों को बेच के कम 2.5 करोड़ रुपया जो है कमाया गया है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। अभी इसकी सच्चाई क्या है वो तो पुलिस जांच करेगी तब सामने आएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि हर चुनाव से पहले इस प्रकार की घटना जो है मीडिया में चर्चा का विषय बनता है। हर चुनाव से पहले, अभी गुजरात में चुनाव होने वाला है और उससे पहले यह चर्चा में है। हालांकि इस प्रकार की घटना जो है चुनाव से पहले भी होती है, चुनाव से बाद में भी होती है, लेकिन जब चुनाव होता है तो चर्चा का विषय होता है। अभी एक लड़की का हत्या हुआ है, कितने लड़की का, एक लड़की का, और सारा मीडिया जो है यहां से दिखा रहा है बिहार के नवादा में एक परिवार के 6 लोग जहर खा के मर गए हैं, और उसकी सच्चाई क्या है कोई नहीं दिखा रहा है। वो 6 मौत
ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक मौत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानते हैं का है? काहे कि इस एक मौत से पोलराइजेशन होगा और गुजरात में जो है वोटिंग पे असर पड़ेगा, और जो बिहार में 6 लोग जहर खा के मरे हैं वो 6 लोगों की मौत दिखाई जाएगी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई TRP नहीं मिलेगा। ये है सच्चाई। लेकिन उस घटना को भी दिखानी जरूरी है, कैसे एक परिवार जो है सिर्फ 12 लाख के लिए जो है ना वो अपने पूरे परिवार को है जहर खिला दिया। बुड़ारी में एक घटना हुआ था, दिल्ली के पास में घटना हुआ था, उसे जो है सभी मीडिया वालों ने 1 महीना तक दिखाया। ये एक मौत की कहानी जो है सभी चैनलों पे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चल रही है। तो फिर वो बिहार का एक परिवार जो 6 के 6 लोग जहर खा के मर गए, उनकी सच्चाई क्यों नहीं दिखाई जा रही है और उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं की जा रही है और उस पे CBI जांच की मांग क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि उससे वोट पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ये श्रद्धा और अफताब की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी तो पूरा देश जो है 2 भाग में बटेगा और इससे असर पड़ेगा। हालांकि श्रद्धा ने जो किया वो गलत, अफताब ने जो किया वो गलत, और मैं आज से नहीं सैकड़ों वीडियो में बोलते आया हूं कि कोई भी बेटी अपने मां बाप के इच्छा के बगैर कहीं भी शादी कर रही है तो वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस घटना से लोगों को सीखने की जरूरत है। और देखिए कि आज यहाँ पे मीडिया वाले आए हैं तो थाना का गेट भी बंद हो गया, देख सकते हैं, देखिए। और इस प्रकार की घटना जो है देश में अक्सर घटते रहती है, लेकिन घटना को कब दिखाना है, कैसे दिखाना है, ये टोटली डिपेंड करता है देश में चुनाव कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से होने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जितना शिद्दत के साथ हम लोग इस घटना को दिखा रहे हैं उतना ही शिद्दत के साथ हम लोग जो है बिहार के उस नवादा की घटना को भी दिखाते जहाँ पे 6 लोगों की मौत हो गई। अगर कोई भी बिल्डर या कोई भी फ्लैट लगाने वाला, कोई भी एजेंट, कोई भी दलाल जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपना फ्लैट, बिल्डिंग, मकान दे रहा है तो सबसे पहले उनके माता पिता का भी आधार कार्ड मांगे और उन लड़कों का भी आधार कार्ड मांगे, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले अक्सर लड़के लड़कियाँ जो है कोई नहीं तो कोई कांड ही करते हैं। अगर आपका इतना प्यार पवित्र है तो दोनों के गार्जियन जो है संतुष्ट हो जाते हैं और दोनों जो है मंदिर या मस्जिद में बैठ के शादी कर लेते हैं। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जो है गार्जियन संतुष्ट नहीं है, इसलिए आप लोगों को मजबूरी में लिव इन रिलेशनशिप में रहना पड़ रहा है। तो सरकार को एक नियम लगाना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके माता पिता का आइडेंटिटी कार्ड जो है रूम लेने से पहले देना अनिवार्य होगा। और अगर ऐसा नियम लगता तो शायद जो है इस प्रकार की घटना जो है वो नहीं घटती, या इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है, 90% इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। मुंबई से घटना की शुरुआत हुई थी, कुछ लोग कह रहे हैं डेटिंग एप्लीकेशन से, कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉलेज स्कूल के दिनों से ही वो लड़का जो है लड़की को छेड़ता था, लड़की को परेशान करता था, लड़की को पटाने का प्रयास करता था। अब सच्चाई क्या है वो धीरे धीरे सब सामने आएगा, लेकिन इस देश के सभी नौजवानों को ये कहानी देखनी चाहिए। जरा सोचिए, जब आप अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर सकते हैं तो किसी लड़के से कैसे प्यार कर सकते हैं, किसी लड़की से कैसे प्यार कर सकते हैं। और हाँ, देखिए कमाल की बात यह है कि जिस माँ बाप का पगड़ी जो है श्रद्धा नाम की लड़की गिरवी रख के मार्केट में उछाल के चली आई थी, वही माँ बाप पहले मुंबई में FIR करते हैं, फिर मुंबई में जब नहीं मिल पाता है तो वो दिल्ली में 8 नवंबर को आके इसी थाने में FIR करते हैं। मुंबई के जब इस थाने में FIR होता है तो पुलिस छानबीन में लगती है और उसके बाद से पता चलता है क्या कि एक डीप फ्रीजर में अफताब नाम का लड़का जो है श्रद्धा को 36 टुकड़ों में बांट के रख दिया था, और उसके बाद से हर रात 2 बजे बैग में उसके 2 भाग को पैक करके मेहरौली के जंगलों में फेंका करता था। कैसे लगा? अगर उन दोनों में से किसी के भी गार्जियन इस बात को जानते हैं तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं घटती। निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, और अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने से लेके फांसी के फंदे तक लटकाने तक जो है 8 साल का समय लग गया था। आप जरा सोचिए, अगर इस प्रकार का घटना घटता है, पुलिस के पास सारा सबूत है तो लटका दो ना 30 दिन के अंदर ऐसे ऐसे अपराधियों को, देखो देश में खौफ का माहौल हो जाएगा। और कोई भी लड़का लड़की प्यार करने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे, अपने माता पिता को नाराज नहीं करेंगे। और कोई लड़का जो है किसी श्रद्धा को जो है बेवजह जो है वो काट के डीप फ्रीजरों में नहीं रखेगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ताली बजा रहे हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? मैं नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। क्या नाम हुआ? सूरज। देखिए नाम पूछा तो भाग गया,
यही भारत का युवा है जो देश बदलने की बात करते हैं। अच्छा, इस प्रकार की घटना जो है वो ना घटे, उसके लिए मतलब सरकार को क्या करना चाहिए? सर, फांसी देना चाहिए। फांसी देना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसको जिंदा लटका कर खुट्टी खुट्टी काट देना चाहिए, कैसा दोबारा होना। मनीष भैया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ एक श्रद्धा की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ ये जांच का विषय है, सीबीआई जांच करना चाहिए। ये सिर्फ एक श्रद्धा के साथ नहीं हुआ है, मामले को बीते 6 महीने हुए, 6 महीने में पता नहीं उसने कितनी श्रद्धा को बर्बाद करके फेंक दिया होगा मैरवली के इस जंगलों में, पता नहीं है। जब एक पत्रकार ने मेरे से सवाल पूछा था कि एक हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़का है, वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो मैंने जवाब दिया था कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। उस समय मुझे खूब ट्रोल किया गया था, खूब ट्रोल, और आज वही लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार का घटना नहीं घटना चाहिए। अच्छा, ये श्रद्धा और अफताब की कहानी आप लोगों को पता है? लेकिन खबर आई थी, हम लोगों को पता भी चला। तो जैसे कि वो रहती थी, चाहे जो भी है उसका जो भी मैटर था, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके वजह से सारे फिर बदनाम भी है, और फिर सारे लोग ही मतलब जो भी है कि सबके ऊपर ये बात आ रही है, फिर हम उसके उनके वजह से हमारे पेरेंट्स भी ये कहेंगे कि तुम दूर से आते हैं और तुम लोग जा रहे हो तो हमारा भी आना जाना बंद हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग को भी डर घुस गया हमारे मन में, तो हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। डर क्यों घुसेगा? आप अपने माता पिता को बिना बताए जो है प्यार करती है क्या किसी लड़के से? अगर नहीं करती है तो क्यों डर घुसेगा? बिना बताए प्यार तो नहीं करते हैं, माँ बाप को तो ये पता है कि हम सेंटर जा रहे हैं। उसके बाद उन्हें वो मुस्लिम लोग नहीं गलत करा है, हिंदू और मुस्लिम एक सिख भाई नहीं हो सकता है, मुस्लिम ही गलत बैठेगा। श्रद्धा और अफताब की कहानी को सुनने के बाद लोग इतने आहत हो गए हैं कि कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, और हर घटना के बाद इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन आप लोगों को देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग चौक चौराहों पे, अलग अलग सड़कों पे देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ विरोध प्रदर्शन करके उस फोटो को सोशल मीडिया पे डालना ही एक लक्ष्य होगा तो इस प्रकार का घटना नहीं रुकेगा। और हाँ, अगर पूरे शिद्दत के साथ देश के हर एक कोने में इस प्रकार की घटना का विरोध होगा और संविधान में कुछ नया प्रावधान को ऐड किया जाएगा, तब जाके इस प्रकार का घटना रुकेगा। और इस देश में अगर कोई भी लड़की किसी लड़के का हत्या करता है या लड़का किसी लड़की की हत्या करता है तो उसे 1 महीना के अंदर अंदर सजा दिया जाना चाहिए और फांसी की सजा दिया जाना चाहिए। और जिस दिन ये प्रावधान हो जाएगा, शायद इस प्रकार का घटना जो है वो 90% तक रुक जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें पूरा तो पता नहीं चला और ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने भी अभी कुछ बताया नहीं है, तो धीरे धीरे जो है इन्फॉर्मेशन निकलेगी। अब ये लड़के ने क्यों उस लड़की के साथ इस तरह की हरकत की है ये समझ में नहीं आ रहा। और मैंने तो कई जगह ये भी सुना था कि शायद लव जिहाद का ये कोई रीजन भी हो सकता है, बड़े सारे अलग अलग एंगल्स आ रहे हैं, तो आई डोंट नो, अभी मुझे कुछ पता नहीं चला। अगर आपको कुछ पता हो तो जरूर शेयर करना। देखिए, इसमें अभी तक कोई डेटा नहीं आया, अभी पॉइंट आ रही है कि ऐसा हुआ होगा, मगर एग्जैक्टली पता नहीं इतने सारे टुकड़े कहाँ पे हुए थे, किसको पता चला टुकड़े हुए थे, किसने कन्फेस किया, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, मतलब ये एग्जैक्टली पता नहीं है। सिर्फ ये है कि वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप नहीं करनी चाहिए, बस इसी की बात हो रही है। नहीं, पर क्वेश्चन ये है कि देखो, आजकल हमारी सोसाइटी में हमारा कल्चर ये करता ही नहीं था अलाउ। आजकल हम इतने वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप, पेरेंट्स के खिलाफ जाके लिव इन रिलेशनशिप जाके आप रह रहे हो, और उस जब ऐसे रहोगे और पेरेंट को ये भी नहीं पता बच्चा है का, मेरी बेटी का है, वो मुंबई में ढूंढ रहे हैं, बाद में दिल्ली आए हैं, वो कैसे उन्हें पता चला? लाइफ में हर एक कंट्री में ऐसा ही होता है, आफ्टर 18 इयर्स आप एडल्ट हैं, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में आफ्टर 18 आप एडल्ट हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, मगर रिस्पॉन्सिबल इंसान जो है वो इतना ही प्यार है तो आप शादी कर लो। लिव इन रिलेशन में रहने का क्या मतलब है? अगर इतना ही प्यार है कि आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जा रहे हो तो फिर आप शादी कर लो। हर इंसान की कैरेक्टर की बात है कि आप अपने कैरेक्टर से लाइफ जीते हैं। बिल्कुल, जिसका अच्छा कैरेक्टर है वो उस अच्छे तरीके से लाइफ जीता है, तो कैरेक्टर की बात है। पर ये है कि भाई जो भी वो लड़की ने गलत किया या सही किया, पर जो उसके साथ हुआ वो टोटली गलत हुआ है। उसके लिए जैसे ये कह रहे हैं, मैं भी हमारा भी ये बिलीव है कि जल्द से जल्द जो है ये नहीं होना चाहिए, जैसे बता रहे थे कि पिछली बारी जब हुआ था तो वो 8 साल लग गए। जी, 8 साल नहीं लगने चाहिए, महीने के अंदर इमीडिएटली
ऐसे केसेस में जो है वर्डिक्ट आ जाने चाहिए और फांसी है तो फांसी दे देनी चाहिए, ताकि एक मतलब एग्जाम्पल सेट हो कि भाई तुम गलत काम करोगे तुम बचोगे नहीं, तुमको इमीडिएटली तुम्हारे ऊपर जो है कानून मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है उसे बहुत जल्दी से कार्रवाई करके बिल्कुल रिजल्ट देना है। बिल्कुल, अब देखते हैं इसके आगे क्या न्यूज़ आती है, क्योंकि कई जगहों पे मैंने कई कई चीज़ें सुनी हैं और उसमें क्लैरिटी नहीं। मैंने होप किया था कि ये जो आपने वीडियो सजेस्ट किया उससे पता भी चलेगा, पर इतनी क्लैरिटी नहीं आई है। पर देखते हैं, अब रखेंगे नज़र पर, इट इज़ बहुत अनसेफ होती जा रही है सोसाइटी ये देख कर, तो यही पता लग रहा है। तो लड़कियों को जो है बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, और ये प्यार व्यार के चक्कर में फंस के केयरलेस होके अपनी जान गंवा दोगे आप, इसलिए आँखें खुलो और अपने पेरेंट्स का कहना मानो। अगर पेरेंट्स का कहना माना होता, पेरेंट्स के साथ रह रही होती, तो शायद ये ना होता। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।